इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले सत्र में हम सबों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यं पाद एकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखते। किस प्रकार से ये संपन्न होता है, किस प्रकार से भगवान रहते हैं वृंदावन में, इन सब लीलाओं का श्रवण हमने पिछले सत्र में किया। नंद बाबा गोकुल से मथुरा जाते हैं कंस को कर देने के लिए। कंस को कर देते हैं, कर देने के बाद उनकी इच्छा होती है कि वसुदेव जी से मिला जाए। और इधर वसुदेव जी के भी मन में इच्छा होती है कि नंद बाबा आए हुए हैं, मुझसे बिना मिले हुए वो वापिस जाएंगे नहीं। अतः वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिलने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर वसुदेव महाराज और नंद बाबा मिले हैं। दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। नंद बाबा ने बात ही बात में कह दिया कि वसुदेव जी, आज मेरी इच्छा हो रही है कि आज मैं यहीं रुक जाऊं और कल वापिस गोकुल को चला जाऊं। तो वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा आप ऐसा मत करो, आप आज अभी इसी वक्त ही चले जाओ, आप आज इसी वक्त गोकुल के लिए निकल पड़ो, क्योंकि हो ना हो मेरे मन में आशंका हो रही है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है, अतः तुम मथुरा को छोड़कर गोकुल चले जाओ। मेरा हृदय कांप रहा है, कपकपी हो रहा है, गोकुल में कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है, कुछ आशंका सी लग रही है मुझे, आप अभी इसी समय मथुरा को छोड़कर गोकुल चला जाओ। इतना सुनते ही नंद बाबा ने बैलगाड़ी में बैल लगा दिए और सबको आदेश दिया और मथुरा से गोकुल चलने लगे। सुखदेव जी गोस्वामी महाराज दशम स्कंद के छठे अध्याय के प्रारंभ में प्रसंग को यहां से शुरू करते हैं। नंद पथी वच सोरे न मृषाइति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पात आगम संकृतः। नंद बाबा मथुरा से निकल पड़े हैं, बैलगाड़ी में बैठे हैं, अंधेरी रात है, थोड़ी देर नींद आती है, अचानक नींद खुल जाती है। नंद बाबा के मन में अनेकों प्रकार की भावनाएं उठ रही है, अनेकों प्रकार की चिंता हो रही है कि गोकुल में क्या हो रहा होगा। वसुदेव वच न मृषाइति, वसुदेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था देवताओं ने आकाशवाणी किया था कि ये बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए वसुदेव जी झूठ नहीं कहे होंगे, गोकुल में जरूर कुछ उत्पात हो रहा है। जीव गोस्वामी कहते हैं, मात्र नंद बाबा को आशंका हुई है, यदि कन्फर्म हो जाता, पता चल जाता कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है तो नंद बाबा के प्राण कब के छूट गए होते हैं। ये तो आशंका है, इसीलिए प्राण टिके हुए हैं कि हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता हुई। और भक्तों, ये नंद बाबा के मन में चिंता नहीं, हम सभी जीवों के मन में चिंता होती है। संसार दावा नले दिया निसिहिया डले, ये संसार रूपी दावा नल में हम सब चिंता से जल रहे हैं। भक्तों, चिता और चिंता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर कितना है, मात्र अनुष्कार मात्र का। और काम क्या है दोनों का, काम में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों का काम भी एक ही है। अंतर क्या है, तो चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जीते जी व्यक्ति को जला जाती है, तड़पा तड़पा कर मरती है ये चिंता। तो दिन प्रतिदिन
वर्तमान में संसार के मनुष्यों की चिंता बढ़ रही है, वहाँ नंद बाबा की भी चिंता बढ़ रही थी। यहाँ हमारी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जब नंद बाबा की चिंता बढ़ी तो नंद बाबा ने क्या किया? शास्त्र तो इसीलिए है ना भक्तों, कि हमारे पूर्वजों ने, इन सब भक्तों ने क्या आचरण किया है, तो इन्होंने जो आचरण किया है हमें भी वही आचरण करना चाहिए। तो नंद बाबा के मन में जब चिंता हुई तो उन्होंने क्या हुआ, क्या किया? सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कहते हैं, हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता। नंद बाबा ने और कुछ नहीं किया, हरि के शरण ग्रहण कर लिए, अर्थात मन ही मन हरि को प्रार्थना किए, कि मन ही मन भगवान विष्णु को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हे हरि, मम गृहे कचित उत्पात न भवेत, अदि भवेत तरही त्वम अस्माकं रक्षमिति। हे हरि, मेरे घर पर कोई उत्पात मत होने देना, और यदि कोई उत्पात हो रहा हो तो आप उसकी रक्षा कर लेना। संसार के मनुष्य के पास भक्तों भगवान को प्रार्थना के अलावा देने के लिए और है क्या? भगवान को यदि देना है तो प्रार्थना ही देनी चाहिए, आप हमारी रक्षा करो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। और दूसरी ओर गोकुल में चलिए, गोकुल में क्या हो रहा था? वसुदेव जी की वचन मिथ्या नहीं थे भक्तों, गोकुल में उत्पात हो रहा था। क्या था उत्पात? तो कंसेन परहिता घोरा पुतना बाल घातिनी शिशुंचार निगनंती पुरग्राम वज आदिशु। नंद बाबा के गोकुल में पुतना नाम की राक्षसी आ चुकी थी। किसने भेजा था ये पुतना को? कंसेन परहिता, कंस के द्वारा भेजी गई थी। कब भेजा था? जब वसुदेव जी कन्या को लेकर वापस मथुरा कारागार में गए, और जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, उस समय कंस के हाथ से वो कन्या उड़ गई, और उन्हें बताया कि तुम्हारा जो काल है वो जन्म ले चुका है। तो कंस ने उसी समय अर्जेंट अपने मंत्रिमंडल को मीटिंग बुलाई, बहुत सुंदर मीटिंग हुई, बहुत निर्णय हुआ। उनके मंत्रीगणों ने कहा, महाराज हम आपकी चिंता समझ सकते हैं। कंस ने अपनी चिंता को व्यक्त किया, मंत्रियों ने कहा, महाराज आप डरिए मत, अब बहुत बड़े पराक्रमी हैं और हमारे पास प्लान है। बोले क्या प्लान है? कि आपके काल का जन्म यही कई दो चार दिन पहले हुआ होगा। महाराज हमारे आजू बाजू जितने भी गांव हैं व्रज 84 कोस में, तो 15-20 दिन में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मार देते हैं, उन्हीं में कोई आपका काल होगा। ये है राक्षसों की मति भक्तों, असुरों की मति है। 2-4 दिन में 15-20 दिन के बालकों को मार रहे हैं सभी को, और सारे बालकों को मार रहे हैं। तो जैसे राजा वैसे मंत्री। बोले महाराज उन्हीं में से कोई आपका काल होगा और वह अभी मर जाएगा। कंस को अपने मंत्री की बात बड़ी अच्छी लगी, इतनी खराब बात राजा को बड़ी अच्छी लगी। कंस ने अपने अनुचरों को जब आदेश दिया, उसी समय ये पूतना राक्षसी आई और कहा, महाराज आपके अनुचर यदि इन गांवों में जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, और सब लोग गांव को छोड़कर शहरों में चले जाएंगे, क्योंकि गांवों में सिक्योरिटी कम है, लेकिन शहरों में तो बहुत है, सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस है, बहुत देर लोग जगे रहते हैं। अतः महाराज आपके बच्चों को लेकर तो लोग शहर में चले जाएंगे, इसलिए आप अपने अनुचरों को मत भेजिए। एक काम करती हूँ, मुझे भेष बदलने आता है और मेरा तो स्वभाव है बालकों को मारना खाना, तो मैं भेष बदल कर जाऊँगी और उन पूर ग्राम गोकुल इत्यादि में जाकर बालकों को मार दूंगी। कंस ने आदेश दिया, पुतना तुम जाओ और सारे बालकों को मार डालो। तो कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा था किसको? पुतना को। पुतना का क्या अर्थ होता है? पुतान अपि नैति थी पूतना, पू मने पुरुष, जो बड़े बड़े साहसी पुरुषों को भी मार दे उसे पूतना कहते हैं। जब बड़े बड़े साहसी पुरुष को मार देते हैं तो बेचारे छोटे बच्चे का क्या अस्तित्व। और दूसरा अर्थ होता है पवित्राणान अपि नैति थी पूतना, जो पवित्र व्यक्ति को, जो साधु व्यक्ति को भी मार दे, साधु पुरुष को भी मार दे उसे पूतना कहते हैं। तो कंसेन प्रहिता घोरा, उसका स्वभाव कैसा था? घोरा माने स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा था? तो घोर प्रवृत्ति की थी,
घोर मने दुष्ट प्रवृत्ति की, क्रूर प्रवृत्ति का, जिसके हृदय में थोड़ा सा भी दया नहीं हो। तो घोर स्वभाव की थी, हृदय में दया नहीं थी। पूतना बाल घातनी है, उसका पेशा क्या था? उसका पेशा था बाल घातनी। उसका बिजनेस था बालकों को मारना और बालकों का खून पी जाना, उनका मांस खा जाना। शिशुन चचार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बालकों को ढूंढते ढूंढते पूर ग्राम व्रज आदिशु, पूर ग्राम और व्रज में घूमने लगी। पूर मने शहर, व्रज, व्रज मने व्रज चौराशी को, और ग्राम मने गांवों में घूमने लगी। और घूमते घूमते वह पूतना गोकुल में पहुंच गई। पूतना गोकुल में पहुंच गई, यह बात जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना, तुरंत महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित सोचने लगे कि पूतना गोकुल में आ गई है, तब तो वह निश्चित कृष्ण को मार डालेगी, क्योंकि भगवान अभी बच्चे हैं, 6 दिन के बच्चे हैं। क्योंकि महाराज परीक्षित भक्तों सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस प्रकार से कथा सुन रहे थे, मानो उस कथा में प्रवेश कर चुके थे। हमारी तरह नहीं कि शरीर यहाँ है और घर वहाँ पे, यहाँ बैठे हुए हैं, घर मन में सता रहा, खाना बनाना है घर का, बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, उनको लेना है, ऐसा नहीं था भक्तों। परीक्षित महाराज कथा में प्रवेश हो जाते थे। परीक्षित महाराज हमारे जैसे श्रोता नहीं थे भक्तों, उच्च कोटि के श्रोता थे। जब वे कथा सुनते थे तब वे कथा में आविष्ट हो जाते थे, और परीक्षित महाराज कथा में इतनी आविष्ट हो गए कि सोच लिए कि पूतना गोकुल में आ गई है, कृष्ण को मार डालेंगे। परीक्षित महाराज कांप गए। भक्तों कथा हमें भी परीक्षित महाराज की तरह ही सुननी चाहिए। हमारे इतिहास में भी ऐसे श्रोता हुए, राजा कुलशेखर अलवार राजा थे, ब्राह्मण आकर उन्हें कथा सुनाते थे। एक बार कथा सुना रहे थे एक ब्राह्मण, राम कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते एक बार ब्राह्मण ने कह दिया कि रावण आया और सीता का हरण करके चला गया। इतना सुनते ही कुलशेखर अलवार इतने कथा में आविष्ट थे, अपने सारे सैनिकों को आदेश दे दिया कि रावण ने जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया है, हम सबको लंका जाना है, रावण से युद्ध करके माता सीता को वापस लाना है। और रथ के ऊपर खुद सवार हो गए, समस्त सैनिकों को तैयार किया, समस्त अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर राजा निकल पड़े, समस्त सैनिकों को लेकर निकल पड़े, हजारों सैनिकों को निकल पड़े। देखिए ये है श्रवण करने का भाव, श्रवण करने की विधि। राजा जा रहे थे, उनके मंत्री ने सोचा है तो क्या हो जाएगा, महाराज अभी कहाँ लंका जाएंगे, कोई दूसरा राजा मिल गया तो उससे लड़ाई हो जाएगी। तो उसका जो मंत्री था बहुत बुद्धिमान था, उल्टे दिशा से घोड़ा लेकर आया और कहा, महाराज श्री राम ने रावण को मार डाला है और माता सीता वापिस आ गई है, अब जाने की जरूरत नहीं, अब जाना छोड़ दो, आप घर चले जाओ। बोले चल पक्का? बोले पक्का महाराज, माता सीता वापिस आ गई है। तब महाराज कुलशेखर अलवार वापिस आए। आया भक्तों कुलशेखर अलवार के जीवन में, जब राम कथा सुनते सुनते पूर्ण अविष्ट हो जाते थे, एक बार ब्राह्मण ने कहा कि भगवान श्री राम समस्त लीला संपन्न करके सरयू नदी में प्रवेश कर गए। कुलशेखर अलवार इतने आविष्ट थे कि भगवान सरयू में प्रवेश कर गए, ये सुनकर बाजू में समुद्र था महल के, महल से निकलकर समुद्र में प्रवेश कर गए। परंतु देखिए भक्तों, भगवान की कृपा, वे सरयू के भाव से समुद्र में प्रवेश कर गए। बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, परंतु उन्हीं लहरों से भगवान आए और भगवान कुलशेखर अलवार को अपने गोद में लेकर बाहर आए। ये है श्रवण करने की विधि भक्तों। जब हम श्रवण करते हैं तो कथा में अविष्ट हो जाना चाहिए। परीक्षित महाराज पूर्ण प्रवेश था उनका, मानो लीला में खड़े हो, और लीला में इतने आविष्ट हो गए कि पूतना गोकुल में पहुंच गई है बालकों को मारने के लिए, तब तो अनर्थ हो गया। परीक्षित महाराज कांप गए। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के भाव को देखकर उनकी चिंता को दूर करने के लिए 1 मिनट का ब्रेक लिया, 1 मिनट के लिए कथा को रोक दिया और शास्त्र का सिद्धांत कह दिया। परीक्षित, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह पूतना गोकुल में कृष्ण का और व्रज के बालकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि न यत्र शर्वण आदिनी रक्ष धनानिश कर्मशु कुर्वन्ति सात्वतम भारतु यातु धन्य च तत्र ही।
इस संसार में ये आसुरी शक्ति का प्रभाव, ये भूत प्रेत का प्रभाव, ये माया का प्रभाव उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जो भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अर्थात जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, ये भूत प्रेम प्रेत, ये माया, ये आत्मा, ये ग्रह, ये नक्षत्र उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए और हमें हरे कृष्ण महामंत्र की जाप करनी चाहिए। तो जो जो काफ़ी लोग तो हैं जो यहाँ पे जप कर रहे हैं, जो जप नहीं कर रहे हैं वे जल्द से जल्द माला लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। और भक्तों इसका एक फायदा नहीं है, अनेक फायदा है। ये तो आपने सुना कि भूत प्रेत माया नक्षत्र ग्रह ये सब नहीं नड़ते हैं, इसके साथ साथ हमारे भौतिक जीवन में भी इसका लाभ है। और कलयुग का नाश करने का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे रणाम केवलम कलयो नास्तेव, कलयो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आप हजार यज्ञ कर लो, हजार बार पूजा कर लो, आप कलयुग से फ्री नहीं हो सकते, फुर्सत नहीं मिल सकता, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लो, अब फ्री हो। उतना देर तो कम से कम आप कलयुग में नहीं हो, उतना देर कलयुग का प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। और यही कारण था कि महाराज परीक्षित ने कली को प्रवेश करने दिया, अन्यथा वे तो प्रवेश करने ही नहीं देते कली को। उन्होंने देखा कि जो भगवान की प्राप्ति सतयुग में करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद आता है, त्रेता युग में वही बहुत सारा यज्ञ करने के बाद आता है, द्वापर युग में वही बहुत सारा डीटी का देवताओं भगवान की मूर्त की पूजा करने के बाद आता है, वही चीज कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का एक बार नाम ले लेने से आ जाता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस नियम का जाप करने का कोई स्पेशल विधि भी नहीं है, किसी भी तरीके में किसी भी सिचुएशन में आप जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन में आप इसका जाप कर सकते हैं। यह है इस नाम की महिमा। बोलेंगे अशुद्ध है, जैसे आपने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया वो अशुद्धता गई, आप में शुद्धता आ गई, आप पवित्र हो गए। जरूरत नहीं है, कोई विधि नहीं है, आप माला लो, जप करना प्रारंभ कर दो। तो परिचित बताओ, जिस भगवान का नाम लेने से कथा सुनने से आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता है, तो साक्षात भगवान जहां पर हो ये पूतना उनका क्या बिगाड़ सकती है। चिंता मत करो परिचित, आप कथा सुनो। कथा को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं सखेचरी एकदा उत्पत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्व माया आत्मनाम प्रवशित कामचारिणी। सखेचरी वह पूतना का गुण उपलक्षण बताते हुए कहते हैं, वह खेचरी, ख मने आकाश और चरी मने विचरण करने वाला, पूतना आकाश से उड़कर आई। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि बड़े बड़े राक्षस भी आकाश में उड़ सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग थोड़े से चमत्कार दिखा देते हैं, लोग उसे भगवान मान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ऐसे कार्य करते हैं वो राक्षस होते हैं, और ऐसे दिखा जाए भक्तों ये कार्य जो है राक्षसों का ही है, क्योंकि जो भक्त और भगवान होते हैं ना वो अपने प्रभाव को छिपाते हैं और स्वभाव को दिखाते हैं, लेकिन जो राक्षस होते हैं अपने स्वभाव को छिपाते हैं और प्रभाव को दिखाते हैं कि मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ, बिना भोजन किए हुए रह सकता हूँ, मैं बिना बोले हुए रह सकता हूँ। ये सारे कार्य जो है ना जो भक्त होते हैं वो छिपाते हैं, भक्त और भगवान छिपाते हैं, लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति का लोग होता है ना वो इसे दिखाते हैं और बोले वाले मनुष्यों को मूर्ख बनाते हैं, ठगते हैं, उनसे पैसे कमाते हैं और कुछ नहीं है। तो पूतना आकाश के मार्ग से उड़कर आई है, गोकुल में उतरी और पूतना ने बहुत सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया। अब पूतना ने कैसा रूप धारण किया, सुखदेव गोस्वामी ने पूछा। अब यदि वो श्लोक में आपको बताऊं, चार श्लोकों में वर्णन है, तो पूरा का पूरा लेक्चर उस पे ही खत्म हो जाएगा। संक्षिप्त में यदि मैं कहूं कि पूतना किस रूप में आई थी,
तो समझो आज कोई ब्यूटी पार्लर में 3 घंटे तैयार होने के बाद जब निकलती है ना, तो 3 घंटे तैयार होने के बाद जैसे दिखती है वो पुतना वैसे दिख रही थी। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, पुतना कैसे दिख रही थी, ताम केश बंद वैतिशक्त मल्लिका। कैसी थी पुतना, तो कहते हैं बड़े बड़े नाखून थे, ब्यूटी पार्लर से निकलते तो लंबे लंबे नाखून, उस पर अलग अलग टाइप के पेंट होते हैं, तो उस तरह से पुतना ने अपने नाखून को बढ़ाए थे और रंग बिरंगे पेंट किए हुए थे। आज भी कुछ स्त्रियां अपने नाखून को बढ़ाती है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना जाने की हिरण्यकश्यपु को फाड़ने के लिए बढ़ाती है। तो किसी ने कहा महाराज लगता है अपने पति को फाड़ने के लिए बढ़ाती है। बाल कैसे थे पुतना के, तो लाल रंग के बाल थे, हाईलाइट कराया था, वो हाईलाइट कराते ना हरा लाल है, हाईलाइटेड बाल थे, बाल में रंग किया था, बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे, खुला हुआ था, बिल्कुल चुड़ैल जैसे लग रहे थे, भयंकर चुड़ैल जैसे लग रहे थे। कहते हैं ना एक बार एक व्यक्ति ने बहुत शराब पी लिया, शराब पीने के बाद जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, कहने लगा मैं इतना बलवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बहुत अभिमान था। तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो एक रात शमशान में जाकर बिता करके आओ। चला गया शमशान में, रात को बहुत बड़ी चुड़ैल प्रकट हो गई, बिखरे हुए बाल थे, बड़े बड़े नाखून, दांत बाहर, चिल्लाते हुए आई चुड़ैल, उसको डरा रही थी, उस शराबी को बहुत डराया, बहुत डराया, लेकिन वो सीधा साधा बैठा रहा। चुड़ैल थक गई और थक के पूछती है कि तुम्हें डर नहीं रह रहा है, मैं इतना तुम्हें डरा रही हूँ, बोले थोड़ा भी नहीं लग रहा है। बोले आखिर तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, बोले तेरे से भयंकर तो मेरे घर पे बैठी हुई है, रोज ब्यूटी पार्लर जाती है, तेरे से बड़े बड़े नाखून, तेरे से ज़्यादा खुले बाल, तू तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, चल शादी करते हम लोग। पूतना बाल घातनी आई थी गोकुल में, अपना रूप बदल कर आई थी। ये पूतना का रूप था लंबे लंबे बाल, बिखरे हुए बाल, परंतु गोपी का रूप धारण कर लिया था। बाल को बांध दिया, गले में कंठी पहन ली, बाल में तिलक लगा लिए और गोपी ड्रेस पहनकर गोकुल में ठुमक ठुमक कर चलने लगी। एक हाथ में कमल का फूल था, एक हाथ में साड़ी का पल्लू को पकड़ा और उस कमल के फूल को घुमाते घुमाते उस गोकुल में जा रहे थे। गोकुलवासियों ने देखा कि साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर सिद्धांत श्लोक में दिया है भक्तों कि बोले ये है व्रजवासियों का भाव। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जिस व्यक्ति के अंदर दोष नहीं होता है उसे किसी में भी दोष नहीं दिखता है। भले ये पूतना राक्षसी थी लेकिन व्रजवासियों को इसमें कोई दोष नहीं दिखा। यदि हृदय शुद्ध है तो पूरी दुनिया शुद्ध लगती है, और हृदय में ही दुख है, दोष है, तो पूरी दुनिया में दोष ही दिखाई देते हैं। आज ये राक्षसी थी पूतना, लेकिन व्रजवासियों को क्या लगा कि लक्ष्मी है, क्योंकि ये व्रजवासियों का भाव है। भक्तों जो शुद्ध भक्त होता है वो सबको महान समझता है, और जिसके दिमाग में कचरा ही भरा हुआ है तो दूसरों में दोष ही देखता है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है। हमें किसी भी व्यक्ति के गुण को देखना चाहिए, दोष को नहीं देखना चाहिए। लेकिन जब भी कोई आदमी हमारे सामने आता है तो दोष पहले दिखाई देता है, गुण बाद में दिखाई देते हैं। हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु जी अक्सर एक सिद्धांत देते हैं कि मानो मैं यहाँ पे कथा करने आता हूँ, आप लोग आपस में जाकर चर्चा कर रहे हो कि अरे वहाँ पे एक प्रभु जी आते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, चलो। अरे कथा तो होती रहती है ना, अरे नहीं अभी वो कृष्ण लीला कर रहे हैं, अरे कृष्ण लीला कितना बार सुना है, अरे अभी वो पुतना बद्ध हो रहा है, अरे कितना बार देखा है यार। अभी उसको आप बोलो कि आप जानते हो प्रभु जी जो है ना वो बताते रहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, अरे मैंने देखा वो प्याज खरीद देते क्या, और कान चार चार हो जाते हैं। जब हम किसी के दोष को सुनते हैं तो हमारे कान चार हो जाते हैं। ये है हमारा स्वभाव, लेकिन हमें स्वभाव को बदलना चाहिए, हमें दूसरों में जो गुण है उसे देखना चाहिए। व्रजवासी शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त का स्वभाव है किसी में दोष नहीं देखते। पूतना को लक्ष्मी समझा और पूतना सीधे नंद बाबा और यशोदा के घर पर गई,
और वहाँ पर यशोदा रोहिणी कृष्ण को पालने पर झुला रही थी। पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा रोहिणी ने पूतना को देखा, बहुत सुंदर इसका रूप था। पूतना ने कहा, मैं आपके बच्चों को खिला सकते हूँ? यशोदा रोहिणी गई, यशोदा रोहिणी तो अपने आप को धन्य समझे कि इतनी सुंदर स्त्री हमारे बच्चे को खिलाएगी। यशोदा रोहिणी उस बच्चे को वहाँ पर कृष्ण को वहाँ पर छोड़कर पूतना के साथ यशोदा रोहिणी अपने गृह काम करने के लिए रसोई घर में चले गई। पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास आने लगी। कृष्ण ने देखा, अरे ये राक्षसी पूतना आ रही है। लेकिन भगवान ने सोचा, चलो आने दो, क्योंकि जैसे भी हो, जिस भाव में हो, आ तो रही है मेरे पास। उसमें भी गोपी ड्रेस है, गले में कंठी है, सर पे तिलक है, आने दो, आ रही है। भक्त भाव कैसा भी हो, यदि हम भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी भाव में आप भगवान के पास चले जाओ, लेकिन जाओ। तो पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास आने लगी। कृष्ण ने देखा, आ रही राक्षसी पूतना आ रही है। पूतना को देखकर कृष्ण ने चराचरात्मम निमित लिक्षणम, कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कृष्ण ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया? कृष्ण ने नेत्र बंद किए इसके 24 कारण आचार्यों ने बताए हैं। दो चार कारण मैं बताता हूं। कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया, इसका कारण एक यह था कि कृष्ण ने सोचा, दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर आया हूं, लेकिन स्त्री से ओपनिंग करना ये ठीक नहीं है। आ रही है, मारना तो पड़ेगा। स्त्री से ओपनिंग करना, अब त्रेता युग में गया था तो वहां पर भी ताड़का को ही पहले मारना पड़ा। अब हर बार स्त्री को मारना ये ठीक नहीं है। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि आंख बंद कर लूंगा तो ये वापस चली जाएगी। ये सोचकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पूतना वापस नहीं गई। पूतना नजदीक आने लगी। कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली, इसका दूसरा कारण बताते हुए आचार्यगण कहते हैं, कृष्ण ने देख लिया कि पूतना ने अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा लिया है। मुझे पिलाने के लिए आ रही है, मुझे मारने के लिए आई है। भगवान ने सोचा कि मेरा काम तो दूध दही माखन मिश्री मलाई खाने का है, ये विष पीने का कार्य तो महादेव का है। आंखें बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे। शिव जी को बुलाने लगे, भोलेनाथ आपके लायक भोजन आया है और आपका आपके सिवा इसे कोई खा नहीं सकता, कृपया करके आप पधारिए और इसे खाइए। और वास्तव में विष को भक्तों शिव जी ने ही खाया, शिव जी ने ही धारण किया। सुखदेव जी को ऐसा लिखते हैं, ऋषा एव, ऋषा मने शिव, शिव जी ने आकर उस विष को ग्रहण किया। तो किसी आचार्य ने कहा, कृष्ण ने अपने आंखें बंद क्यों किए पूतना को देखकर, कि ये पूतना मुझे बाहर का भोजन कराने के लिए आ रही है। और माताएं होती है ना, अपने छोटे छोटे बच्चों को कहती है कि बाहर का भोजन मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये बाहर का भोजन कराने आ रही है, यदि मैं खा लूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ये बाहर का विष खिलाने आ रही है पूतना, इसलिए रोग तो होगा निश्चित, आगे चलकर रोग होना होगा। और रोग कितना भी बड़ा हो, यदि दवाई ठीक से काम नहीं होता तो योग से ठीक हो ही जाता है। कृष्ण सोचा, आगे चलकर रोग हो इससे अच्छा है अभी योग कर लो। भगवान कृष्ण अपनी आंखें बंद करके योग करने के लिए योग करने लगे हैं। ऐसे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर वात्सल्य भाव में अपना विचार प्रकट किया है। जो भी हो, पूतना जो थी कृष्ण के पास आई, और कृष्ण के पास आकर पूतना कृष्ण को वैसे ही समझ नहीं पाई जैसे गांव में चूल्हे होते हैं ना, भोजन कराने बनाने के बाद जब चूल्हे को साफ किया जाता है तो कुछ अंगारा होता है जो राख से ढक जाते हैं, वो लगता है कि राख है, लेकिन वो वास्तव में राख नहीं, अंगारा होता है। तो पूतना को लगा कि ये छोटा सा बालक है, उस राख से ढके हुए अंगारे के समान, जैसे स्त्रियां समझ लेती है कि राख है, वैसे ही पूतना ने समझ लिया कि ये छोटा सा बालक है। लेकिन ये बालक नहीं, ये पूतना का भी काल का भी काल है, ये साक्षात विकराल है। पूतना धीरे धीरे आगे आई और उसे पालना के पास पहुंच गई और कृष्ण को अपने हाथों में उठाया
जानना नहीं चाहते थे भगवान, लेकिन जबरदस्ती पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। जैसे कोई अंगारे को उठा लेता है, वैसे पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे सांप को रस्सी समझकर कोई उठा लेता है, वैसे अपने काल को साधारण बालक समझकर पूतना ने कृष्ण को अपने हाथ में उठा लिया। और कृष्ण को अपने हाथ में उठाकर पूतना कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। भगवान ने सोचा, मैंने तो गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेषति। मैंने तो पत्र पुष्प फल मांगा था, पानी मांगा था, ये तो दूध दे रही है, है? चलो आई है तो इसकी भी इच्छा पूर्ण करते हैं। उस समय भगवान कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे, लेकिन दूध के साथ साथ कृष्ण पूतना का प्राण भी पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने कहा शुभोधिनी में कि भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन का प्राण क्या पिया। पूतना अनेकों बालकों के प्राण को पी चुकी थी और ये सारे बालकों का प्राण पूतना के अंदर था। भगवान उस स्तन के माध्यम से पूतना के अंदर से जितने बालकों के प्राण थे, वे सारे प्राण भगवान ने अपने अंदर ले लिया और सभी बालकों को सहज मुक्ति दे दी। तो इस प्रकार धीरे धीरे पूतना कृष्ण को अपने स्तन का पान कराने लगी। कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से पूतने के स्तन को पकड़ लिया और पूतना का को दूध पीने के बाद अब कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे। और जैसे जैसे कृष्ण पूतना के प्राण को पीने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, समुंच मुंच अलमिति प्रभाषणी निष्प्रियान अलिख जीव मरमणी। अरे कृष्ण मुझे छोड़ छोड़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए भक्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण एक तो आसानी से किसी के हाथ में आते नहीं हैं, रुला मारते हैं, है? मंगला आरती रोज सुबह 4 बजे मंगला आरती, सोयला माला का जप, निर्जला एकादशी, बहुत सारा प्रयास करने के बाद ये कृष्ण मिलते हैं। एक तो ये कृष्ण आसानी से मिलते नहीं, और यदि हाथ में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये कृष्ण छोड़ने का नाम नहीं लेते। पूतना चिल्ला रही है, अरे छोड़ छोड़ सा मुंच मुंच, और भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन को प्राण पी रहे हैं। कर सर पर सधर अमर कर अनुसर, कर परवर धर मैल करे, हर हर सर हवर पर तियन कर, नटवर मन हर बैर बने, अरे मन हर मट लटक तट निकट, मुकट सिर सवर नमे, गण रन पड़ पड़ गड़ पड़ गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रजी जी, रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण को पी रही है, पूतना चिल्ला रही है, अरे छोड़ छोड़ सामुंच शमुंच, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूतना का दूध पिए, पूतना का प्राण पीने में लग गए। पूतना ने सोचा कि कृष्ण मर जाएगा, लेकिन कृष्ण जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना का शरीर फटने लगा, पूतना के प्रत्येक अंग में पीड़ा होने लगी। पूतना अपने यह बनावट शरीर को धारण नहीं कर पाई, धीरे धीरे वह राक्षसी का शरीर प्रकट होने लगा। वह पूतना कृष्ण को लेकर उस घर से बाहर निकल गई। कृष्ण को हाथ में लेकर पूतना दौड़ने लगी, छटपटाने लगी, बार बार कह रही है छोड़ छोड़ सा मुंच मुंच। तब दमक दमक ता दुर दर दमकत बैकत मोर मला गिरा, तब पियु पियु सवर पुकार के चातक पियु पियु को किल कन गिरा, तब गड़ गड़ नव होश गड़ा थन गणरण गणरण गिरिवर शिखर भजे, गणरण पट परड़ घड़ पर गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि, रंग भर सुंदर श्याम रमे। पूतना बार बार कृष्ण को छुड़ाना चाहती है, छोड़ छोड़ सा मुंच मुंच, परंतु कृष्ण पूतना को छोड़ नहीं रही है, पूतना के प्राण को पी रहे हैं। कृष्ण पूतना के प्राण को पीते गए, पूतना दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते पूतना बगीचे में पहुंच गई। और उस समय भगवान ने अपना अंतिम प्रहार किया, जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरी, वैसे ही पूतना इस धरती पर धराशायी हो गई। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही पूतना धाराशायी हुई, यह पृथ्वी कांप गई, क्योंकि भक्तों पूतना का शरीर 7 कोस का था। 7 कोस माने 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर इस धरती पर गिरा। व्रजवासियों को लगा कि अश्वमेध ब्रज वज्रपात तो नहीं हो गया। सभी लोग दौड़ के आए, यशोदा आई, देखा कृष्ण नन्हे से
छह दिन के बालक थे भगवान, उस राक्षसी का वध करके उसके ऊपर खेल रहे हैं। सब लोग बैठ गए कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि नंद बाबा थे नहीं, गोकुल के राजा नंद हैं, नंद बाबा कल आएंगे, कल इसका निर्णय लिया जाएगा किस राक्षसी का क्या करना है। तब तक आइए थोड़ी देर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब लोग गाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे Yeah.
लगी मुझे लगी श्याम संग प्री की दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्री की दुनिया क्या जाने, मुझे क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मुझे मिल गया मन का मी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मुझे लगी शाम संग पी कि दुनिया क्या जाने, मुझे लगे मुझे लगी शाम संग पी कि दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल मुझे मिल गया मन का मी कि दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्री कि दुनिया क्या जाने, मुझे छवि लगी श्यामा की जब से, छवि लगी श्यामा की जब से, भई बावरिया मैं तो तब से, भई बावरिया मैं तो तब से, ये कैसे पागल प्री कि दुनिया क्या जाने, ये कैसे कैसी पागल प्री कि दुनिया क्या जाने, ये मुझे लगी श्याम संग प्री कि दुनिया क्या जाने, मुझे मुझे लगी श्याम संग प्री कि दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो,
राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा ओ कृष्ण कृष्णा हरे हरे ओ हरे रामा हरे रामा ओ राम रामा हरे हरे ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा जय श्री राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद जय जय प्रभु पा प्रभु पा ओ प्रभु पा ओ प्रभु पा जय जय प्रभु नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्रेम से बोलिए ग्रंथराज भागवत श्रीमद भागवत पुराण की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रीमती राधा रानी की श्री गौरंग महाप्रभु की शील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा एक बार ऑनलाइन फिर से आप सुनाइए कौन जो पुतना राक्षसनी को जब अस्त्र में मुंह लगाया कृष्ण भगवान पुतना राक्षसनी को वो एक लाइन का फिर शब्द सुनाइए आप मत सुनिए ठीक है हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वो क्या बोले कि पुतना राक्षसनी कितना बच्चा को वध किया ब्लड किया है उसका प्राण को ले लिया है जब कृष्ण भगवान अस्त्र में मुंह लगाए तो उस बच्चे को भी प्राण अपने अंदर में ले रहा है उसका जन्म हुआ उसके बाद पुतना राक्षसनी से ये क्या थी ना कि ये नहीं 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 ये क्या हुआ ठीक है उसे प्रश्न के रूप में हम ले लेते हैं पुतना जो थी ना वो समस्त उनका कार्य क्या था बाल घातनी सभी बालकों को मारती थी उसके खून को उसके मांस को खा जाती थी हड्डियों के साथ खेलती थी तो अनेक बच्चों को करोड़ों बच्चों को मार चुकी थी और लेकिन जब से भगवान का जन्म हुआ था जब से भगवान का प्राकट्य हुआ था तब से उसने एक भी बच्चे को नहीं मारा था छः दिन में एक भी बच्चे को नहीं मारा था इसलिए वो कंस से आज्ञा लेकर सर्वप्रथम वो कृष्ण के पास ही आई और जब कृष्ण को वो उठा ली एक साधारण बच्चे समझकर और स्तन का पान कराने लगी बस यही से सुनना है
तो जब स्तन पान कराने लगी तो जीव गोस्वामी लिखते हैं सुबोधिनी में, सुबोधिनी एक उन्होंने टीका लिखा है भागवत के ऊपर, कि जब कृष्ण जो थे उसके स्तन का पान करने लगे तो स्तन के पान को, स्तन को माध्यम बना से जो पूतना ने करोड़ों बच्चों का प्राण को हरण किया था उसे अपने अंदर लेने लगे और अपने अंदर लेकर उन समस्त बच्चों के प्राण को सानिध्य मुक्ति देती, एक से आत्मृति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।